लेट से मैं कॉलेज स्टूडेंट टू एंड मेरे को कुछ भी नहीं आता जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू फ्री लैंसिंग मैं चाहता हूँ मैं फ्रीलैंसिंग से पैसे कमाऊँ बताओ स्टेप बाई स्टेप मेरे को अब गाइड करो कि मैं कैसे कर सकता हूँ ठीक है तो अपन फ्रीलैंसिंग में बेसिकली कॉलेज ड्रप आउट करके फ्री लेंसर बन गए एंड देन एजेंसी स्टार्ट कर दिया भाई नाइनटी परसेंट ड्रॉप आउट्स तो फेल ही होते हैं मोहित पूछते हैं कि भाई मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और <laughs> मैं रील एडिट करता हूँ मेरी इसे रील लोग देर-देर सौ में एडिट करके भेज देते हैं क्लाइंट्स को बताओ मार्केट खराब हो रहा है अब देखो जैसे संदीप माहेश्वरी जी की बात आपने hmm. की तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रीम लेयर पे थे जहां पर वो स्विच कर सकते hmm. हैं तो उन्होंने राइट टाइम देखकर स्विच कर hmm. लिया मोस्ट ओवररेटेड फ्रीलांसिंग स्किल दिस इज अभीत एंड यू आर वाचिंग द पॉडकास्ट आवर वेलकम टू द पॉडकास्ट आवर आज हमारे साथ है मिस्टर जॉंटी कृष्णानी जो कि एक एजेंसी ओनर हैं एंड आज आपको बताने वाले हैं कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कैसे अपना पहला इनकम कर सकते हो पहला टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड कर सकते हो बट बिफोर मूविंग टू दैट डेट पार्ट पहले समझते हैं कि भाई ये कौन सी एजेंसी रन करते हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं सो हेलो जॉन्टी ब्रो आई एम ऑल गुड तो बेसिकली द स्टोरी इज़ की वी रन अ कॉन्टेंट एजेंसी जिसमें हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक उनको ला कर देते हैं ऑल ऑफ़ दिस स्टार्टेड इन कॉलेज इट जब 2020 में लॉकडाउन uh, लगा हुआ था ठीक है hmm. uh, तब मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया था ठीक है okay. जो कि मैंने जस्ट कोविड के बाद लॉन्च किया तो वो फट गया ऐसा कॉलेज ही कॉलेज में तो मुझे लगा okay. कि यार मेरे को एक कुछ नई सी स्किल पता चल गई है वीडियो एडिटिंग की hmm. तो वो hmm. करके देखता हूँ तो आई स्टार्टेड एज अ वीडियो एडिटर कुछ यूट्यूबर्स को कोल्ड आउटरीच करके उस समय ट्वेंटी ट्वेंटी में फ्री में कुछ काम किया फिगर आउट हुआ क्या चीज़ें कैसे हैं खुद का पॉडकास्ट चालू किया था उस समय मैंने एंड hmm. uh, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग से वी गॉट इन टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट फिर उसके बाद फनल क्रिएशन थ्रू दैट तो hmm. वैसे करके अभी तक की जरनी रही तो so, जॉन्टी uh, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि लेट से मैं कॉलेज स्टूडेंट टू एंड मेरे को कुछ भी नहीं आता आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू फ्रीलैंसिंग मैं चाहता हूँ मैं फ्रीलैंसिंग से पैसे कमाऊँ बताओ स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइड करो कि मैं कैसे कर सकता हूँ ठीक है तो अपन फ्री में बेसिकली ये चीज़ हटा देते हैं पूरी कम्प्लीटली कि अपने को कुछ कमाना है ठीक है मोटिव इज गुड बट अल्टीमेटली तो यू लर्न ना बट अभी शुरू में क्योंकि 90% परसेंट ऑफ फ्रीलांसर्स दे फेल बिकॉज दे चेज मनी राधर देन चेजिंग फर्स्ट ओके क्योंकि क्या होता है कि दे स्टार्ट विथ लर्निंग स्किल ठीक है तो वो फिफ्टी परसेंट ऑफ स्किल सेट पे पहुंचते हैं एंड देन एंड व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग कंसंट्रेट ऑन अर्निंग मोर एंड सबसे पहले फाइंड आउट है स्किल ठीक है अब स्किल फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू यूजुअली लाइक ठीक है hmm. आर यू इन टू वीडियोज ठीक है आर यू इन टू इवेंट मैनेजमेंट कि क्या आपको कॉलेज में इवेंट्स में मजा आता है ठीक है आर यू इन टू कम्युनिकेशन यू कैन डू सेल्स ठीक है फाइंड आउट वॉट यू आर गुड एट ठीक है इट कुड बी लाइक अभी लाइक वॉट यू अल्टीमेटली वॉन्ट टू डू का फाइव परसेंट ठीक है बट एक्सप्लोर दैट ठीक है फिर उसको थोड़ा प्रोफेशनली करके एंड इन्वेस्ट इन टू पेड कोर्सेस ठीक है आई हैवेस्टेड फाइव इन टू फ्री स्टफ इसलिएट ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पांच साल में सीखी इन सिक्स मंथस इफ यू इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड कोर्स ठीक है कोर्स का इंडिया में इट एस की स्कैम और वो सब काफी बोलते हैं बट देर आर अट ऑफ गुड कोर्स ठीक है इन्वेस्ट यूर सिक्स मंथ इन टू जस्ट स्किल आप पहले किसी के साथ फ्री में काम करो पहला महीना ठीक है देखो कैसे काम होता है कैसे प्रोफेशनली एक इनवायरमेंट में काम होता है फिर उसके बाद आज देम ठीक है मैंने आपके लिए फ्री में काम कर लिया दिस इज द रिजल्ट दैट है अब तो उसके आप किसी और को दिखा सकते हो राइट दैट इज ऑलवेज यू कूड मल्टीप्लाई बट शुरू में आपको फ्री में ही काम करना पड़ेगा तो यू यू फाउंड आउट अर्क फॉर फ्री देन यू गेन समेन यू सेल इट इन द मार बट मेक श्योर यू आर ऑल्सो स्किलिंग योर स्किल ठीक ठीक है। है, है? है, अगर कोई आज मुझे मुझे किसी एक काम काम का 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 लेता लेता और वो महीने महीने उसी तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि यार ये तीन महीने में क्या चेंज हुआ जिससे तुमने तीन सौ रुपए बढ़ा दिया फिफ्टी सिक्स परसेंट आपने पैसे hmm. बढ़ा दिए राइट उसमें द काउंटर आंसर दैट आई एक्सपेक्टेज कि भैया मेरे रिजल्ट बेटर कर दिया आपके लिए ठीक hmm. है मैंने क्वालिटी अच्छी कर दी क्वालिटी अच्छी कैसे हो रही है क्योंकि मैं स्किल भी अपनी बढ़ाते जा रहा हूँ जिस चीज का मैं आपसे आठ सौ आप ले रहा हूँ ठीक है जिसका मैं तीन महीने के बाद आपसे ग्यारह सौ भी लूंगा ठीक है दैट इज बिकॉज कि वो ग्यारह सौ की वैल्यू आपको और कोई मार्केट में नहीं दे पाएगा क्योंकि hmm. मैं अपस्किल करते जा रहा हूँ और वो हमेशा बेटर होती जाएगी आपकी चीजें प्लस आपको ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि मैं अपस्किल कर रहा हूँ ठीक है दैट इज द मोटो दैट यू शुड ऑलवेज है पता है क्या होता है जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं बेसिकली उनके फैमिली uh, में काफ़ी पंगा होता है इस चीज़ का कि नहीं ऑनलाइन बिजनेस अभी कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ कॉलेज फोकस करो तो वो वाला जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करेगा कोई बच्चा देखो दैट ऑल्सो कम्स विद द सेम थिंग जैसे मैंने स्किल के लिए बोला ना कि देर इज इनसिक्योरिटी कि यार मैं सिर्फ सीखता ही ना रहा मुझे पैसे भी कमाने हैं इट इज द सेम इनसिक्योरिटी दैट योर पेरेंट्स है कि किसी दूसरी राह के चक्कर में जो एक फिक्स राउट है उसको ना भूल जाओ राइट तो दे कि देखो वो जो भी कर रहे हैं इट इज फॉर योर बेटर ठीक है तुम्हारा अच्छा होगा तो उनका भी अच्छा होगा ठीक है तो वो तुम्हारे को सोच कर ही हर एक चीज बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनको बस बोलना है क्योंकि उनको किसी ने बोला था तो वो तुम्हें बोल रहे हैं ठीक hmm. है वो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं तो अ सोल्यूशन फॉर दिस इज यू स्टार्ट बाय योर ओन ठीक है उनको पैसा कमाकर दिखाओ ठीक hmm. है मैंने अपने पेरेंट्स को जब तक पैसा नहीं कमा के दिखाया था तब तक मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं था कि दिस इज समथिंग दैट आई डू ठीक है मनी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ यस यू अर्न मनी यू शो देम मनी यू विल प्रूव योरसेल्फ राइट सही बात है मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपना होमवर्क वोमवर्क करता था उसके बाद अपना काम करता था एंड देन जब पैसे बढ़ने लग गए तब दिखाया कि देखो इतने बनते इतने बनते तब वो इम्प्रेस हुए बाद में जाके लेकिन हाँ प्रूफ करना पड़ेगा एंड right. कई बार आप बताओगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटा एक दो घंटा भी दोगे तो आप स्किल्स बनाते जाओगे अपना डेवलप करते चले जाओगे माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लेट से आई हैव ए स्किल मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है क्योंकि आप जानते हो कॉलेज स्टूडेंट ना वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये लोग सीख लेते हैं कुछ टाइम लगा के थोड़ा मेहनत करके सीख लेते हैं नाउ लेट्स से आई नो वीडियो एडिटिंग हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट वॉट इज द एग्जैक्ट रोड मैप ठीक है फर्स्ट इज यू अप्रोच एजेंसी ओनर्स क्योंकि वो सबसे आसानी से आपको क्लाइंट्स दे सकते हैं ठीक hmm. है सेकेंड इज अ लिटिल मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वो आपके लिए कंपेरेटिवली इट इज यू स्टार्ट कोल्ड आउट रीचिंग ठीक है बट वाई आई डोंट प्रेफर दैट इज कि विच इज़ ए स्किल इन इट सेल्वियस कि आप कैसे लोगों को टारगेट करते हो कैसे एक मैसेज बनाते हो क्या कैसे आप वैल्यू देते हो उस मैसेज में ठीक है अब आपने अभी अभी वीडियो एडिटिंग सीखी है यू आर एट दैट फिफ्टी परसेंट मार्क ले सपोज ठीक है अब आप आउटरीचिंग में जाओगे फिर यू स्टॉप दिस वीडियो एडिटिंग का चीज़ फिर आप उसमें घुस जाओगे इट इज आप टारगेट करो एजेंसी ओनर्स को पकड़ो ठीक है उनसे बात करो उनसे काम सीखो भी एंड ऐट द सेम टाइम अपना आप स्किल भी खेते जाओ वो आपको रेजेज़ भी देंगे एंड देट इज़ द इजिएस्ट टाइप ऑफ क्लाइंट्स दैट यूट राइट राइट मेरे को ना ई मेल आता रहता है कि भैया आपका थमनेल मैंने रिडिज़ाइन किया है और मैंने आपका ये देखिए वीडियो में एडिटिंग से नहीं था ये मैंने इम्प्रूव किया है एंड and... जो थमनेल्स भेजते हैं वो लिटरली आई लाइक डिट एंड मैं सच में उनको फॉलोअप करता हूँ को लगता है कि भाई रिप्लाई नहीं करेगा अगर मैं ई मेल करूंगा और अच्छा थमनेल भी है तो रिप्लाई नहीं करेगा ऐसा नहीं हो सकता मतलब कोई क्यों रिप्लाई नहीं करेगा अगर आपके अंदर टैलेंट है अगर उसको ज़रूरत है तो करेगा सो आप अगर कोल्ड आउटरीच भी कर रहे हो सो आपको अपने स्किल में एक गेम दिखाना पड़ेगा पहले एंड देन आप कोल्ड आउटरीच करो तो आपने सही बताया कि पहले शुरुआत में सीखने के लिए एजेंसी उनसे टाइप करना बहुत ज़रूरी है फिर कोई ऐसे बंदे जिसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हो एना आप थोड़ा से प्राइस नहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं सीखने के लिए राइट राइट करेक्ट ठीक है ठीक है परफेक्ट ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फाइवर अपवर्क फ्री डेंसर एन आप जानते हो कि कोई भी नया बंदा आता है उस पर तो क्या होता है उसका वो <laughs> उसको कोई क्लाइंट नहीं मिलता है राइट तो क्या ये प्लेटफॉर्म सही है या फिर अपना जो पर्सनल आउटरीच वगैरह उससे ही डिपेंडेंट रहा जाए यार राइल से कि इट इज वेरी गुड फॉर पीपल जो आगे चल के एजेंसी नहीं बनाना चाहते इट इज वेरी गुड फॉर फ्रीलांसर्स कि आपने वहाँ पर अपना डाल दिया ठीक hmm. है वहाँ पर सामने से ही क्लाइंट्स आ रहे हैं या फिर सामने से ही लोग डाल रहे हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ वर्क दैट आई वॉन्ट और फिर आप उसमें अप्लाई कर रहा है तो आई वुड से कि शुरू में ना एक तो एजेंसी ओनर के साथ काम किया विच इज द थिंग यू वुड अ लॉट देयर फिर उसके बाद यू ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्टफ आप आउटरीच भी करके देखो आई फाइवरक भी करके देखो सी वॉट वर्क फॉर यू ठीक है ई मेल आउटरीच वर्क फॉर मी क्योंकि मैं उसको पांच साल पहले से कर रहा था ठीक है

इट इज़ जस्ट एक्सप्लोर गॉड इट आप बता रहे हो कि आप ई मार्केटिंग hmm. मतलब अच्छे से जानते हो बिकॉज आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे हो राइट नाइट टॉप थ्री मिस्टेक्स अगर मैं बात करूँ ई मार्केटिंग कोई करता है एलेट से कोई ई भेज रहा है किसी को टू uh, आउटरीच क्या होती हैं वो गलतियाँ है जो स्टूडेंट्स को इग्नोर करना चाहिए बहुत बड़ी गलतियाँ मैं स्टार्ट करता हूँ एक गलती से कि वो हेलो हेलो लिख के और नाम नहीं लिखते पर्सनलाइजेशन नहीं करते एंड देन वो बल्क में ईमेल सेंड करते सबको तो पहला मिस्टेक ये है आप तीन और बताओ <laughs> ठीक है अपन इससे भी थोड़ा एक लेवल आगे जाते हैं कि चलो उन्होंने हेलो फर्स्ट नेम भी डाल रखा ठीक है ठीक है पहला मिस्टेक कि उन्होंने पहले ही उसमें कॉल के लिए बोल दिया ठीक uh, है कि लेट्स गेट ऑन अ कॉल ठीक है कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ क्यों कॉल पे जाना चाहेगा लाइक कल को आपका मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं पता कुछ भी नहीं पता ठीक है बट आप मुझे सीधा कॉल पे आने के लिए बोलोगे तो मैं क्यों आऊँगा राइट right? सही बात है मुझे पता ही नहीं है कि आप exactly. कौन हो ठीक है तो आप पहले फ्री वैल्यू दो उसमें hmm. उसका सॉल्यूशन है कि आप फ्री वैल्यू दो ठीक है उसके बाद फिर वो ज़रूर आना चाहेगा क्योंकि आपने देने पे कॉन्सेंट्रेट किया है उसको कुछ फ्री वैल्यू फिर आप उससे उनका टाइम ले रहे हो तो वो एक इक्वेशन थोड़ी बराबर आती है फिर द सेकंड थिंग इज कि आप काफी ज्यादा गारंटी काफी ज़्यादा स्पैमी वर्ड्स डालते हो उसमें hmm. तो उसके कारण वो स्पैम में चला जाता है ठीक hmm. है तो आप उसको चेक करो कि इफ दिस इज गोइंग टू ए स्पैम फोल्डर और नॉट कैसे चेक होगा थर्ड वो मेल मीटर करके एक वेबसाइट hmm. है ठीक है उसमें आप अपना ई मेल कॉपी पेस्ट करो वो तुरंत आपको बता देगा कि ये स्पैम वर्ड्स है आप उसको रिप्लेस करो वो बता देगा कि ठीक है ये सही है थर्ड तो थर्ड इज आप उनसे फॉलो नहीं लेते hmm. ठीक है आपने मैसेज डाल hmm. दिया आपका चलो आपने पहले ही मैसेज में आपने वैल्यू देके थंबनेल भेज दी ठीक है बट आप उनसे कांस्टेंट नहीं ले रहे हो हो सकता है वो कहीं पे बिजी हो hmm. तो आपका उन्होंने थंबनेल ना देख पाया या उन्होंने आपका थंबनेल देख लिया हो hmm. बट वो थोड़ी आउटडोर सिचुएशन में हो तो वो आपको रिप्लाई ना कर पाए हो hmm. तो अगर आप फॉलो अप ही नहीं करोगे तो आप एक अच्छा अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट को भी लूज आउट कर रहे हो तो यू डू फॉलो अप्स अमेजिंग अमेजिंग अच्छा. right. बहुत ही अच्छा फॉलोअप इनफैक्ट हर जगह जरूरी है चाहे वो सेल्स हो आप चाहे कोल्ड ई मेल्स भेज रहे हो फॉलोअप इज द की टू सक्सेस बहुत ही बढ़िया सो अगर मैं ई का स्ट्रक्चर बात करूँ कि एक अच्छा ई का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए सो वो कैसा रहेगा तो इट वुड बी हाई फर्स्ट नेम ठीक है फर्स्ट लाइन वुड बी इसके बाद शुड बी समथिंग

कि जैसे आप फेसबुक एड्स भेजते हो ठीक है एंड यू सॉ देम कि वो फेसबुक एड्स नहीं चलाते टू अट्रैक्ट कोचिंग क्लाइंट्स ठीक है तो यू टेल देम कि अच्छा यार आप ऑर्गेनिक तो कर रहे हो बट आप एड्स नहीं चला रहे तो यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ठीक है तो यू मेक अप अ प्रॉब्लम फॉर देम ठीक है फिर उसके बाद यू टेल देम कि अच्छा आप नहीं चला रहे बट ये ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग ने चालू किया और इनको ये रिजल्ट मिला अभी तक आपने कुछ पिच नहीं किया उनको ठीक है फिर लास्ट लाइन फिर इसके बाद अगले पैरा में आपने लिख दिया कि वुड यू लाइक मी टू टेल यू अट्रैटी ठीक है विच कुड वर्क फॉर यू फॉर फ्री ठीक है तब आपने इसमें क्या बोला कि आपने बोला कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो आप अपने में यूज करो ठीक है जो आप मेरे बिना भी यूज कर सकते मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ काम करो या कुछ करो यहाँ पे आप पूरे ई में देखो कि मैंने कहीं पर भी पिच नहीं किया नहीं। नहीं। उनको मैं उनको बस एक फ्री वैल्यू दे रहा हूँ राइट right? अब उनका जरूर आएगा अगर वो फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड नहीं भी है तब भी वो देखना जरूर चाहेंगे कि इसने मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है ठीक है उसके रिप्लाई में आप एक लूम वीडियो बढ़िया रिकॉर्ड करके भेज दो लाइक ले सपोज आपने सौ जनों को किया पांच जनों का रिप्लाई आया पांच का लूम वीडियो आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा

मीटिंग पे भी जाके आप उनके पेन पॉइंट समझोगे कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है क्यों उन्होंने आज तक फेसबुक एड्स नहीं चलाई क्या उन लोगों ने चलाई थी पहले पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, नहीं था फिर वो सारे पेन पॉइंट समझने के बाद देन यू पिचन योर सर्विसज कि अच्छा ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ आपके लिए दैट इज़ हाउ यू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट अमेजिंग अमेजिंग ये ईमेल का कन्वर्जन रेट क्या होता है अगर अच्छा ईमेल जा रहा है सो व्हाट शुड बी द कन्वर्जन रेट तो वॉट हैज वर्क फॉर मी इज हर दो हजार ई मेल्स पे आई हैव क्लोज वन क्लाइंट ठीक है तो वॉट रेशियो यू कैन एक्सपेक्ट इज यू कैन एक्सपेक्ट अ टू परसेंट रिप्लाई रेट ओके आई हैव लाइक मेरा कभी कभी बारह परसेंट पंद्रह परसेंट पे भी भी गया okay. है अब अगर लेट सपोज टेन परसेंट रिप्लाई रेट है hmm. तो फ्रॉम दैट वन टू परसेंट और थ्री परसेंट वुड बी पॉजिटिव रिप्लाईज बाकी सारे नेगेटिव होंगे

प्रैक्टिकल got it, got it. It मतलब नंबर uh, है इसमें कोई भी हाई नंबर नहीं अगर आप सही से भेजो, भेजोगे सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट तो आपको रिप्लाई आएगा एंड यू कैन क्लोज क्लाइंट सो और इसमें कोई आपका एज सच बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा है ना सो ई मेल आप कैसे right. भेजते हो तो आई यूज इंस्टेंटली फॉर दैट Right. got it इंस्टेंटली का प्राइसिंग क्या है लगभग उसका हंड्रेड डॉलर रहता है फॉर hmm. got it सो got it. So, कोई शुरुआत कर रहा है तो फिर अगर उसके पास हंड्रेड डॉलर नहीं है वो नॉर्मल जी मेल से भेजना पड़ेगा या जी सूट से भेजना पड़ेगा उसको तो अगर कोई शुरू कर रहा है ठीक है एंड ऑलरेडी वो किसी के साथ काम कर रहा है ऑलरेडी अर्निंग मनी तो सबसे आसान फ्री तरीका है फिफ्टी मैसेज थ्रू इंस्टाग्राम फॉर फ्री ठीक है फिफ्टी थर्टी टू फोर्टी लिंकिन कनेक्शंस पर डे ठीक है ट्विटर हंड्रेड टू टू हंड्रेड मैसेज वॉट यू कैन सेंड ई मेल्स यू कड सेंड तीन ई मेल ले लो तो थर्टी ईच ठीक है नाइन्टी ठीक है इसके अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म बच गया फेसबुक थर्टी टू फोर्टी अब इन सबको को कम्बाइन करोगे तो यूल सी कि तीन सौ से चार सौ मैसेजेस हैं

तो आप क्लोज़ नहीं कर पाओगे मीटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप कहीं भी क्लोज़ नहीं कर पाओगे तो जैसा भाई ने बताया कि आप ई भेजो हर प्लेटफॉर्म का यूज़ करो हर प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ करोगे तो आपके तीन सौ टोटल आउटरीच पर डे हो रहा है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट इन फर्स्ट मंथ राइट सो आपने इतना बता दिया जो भाई अब मेरे को आप बात बताओ कि uh, अगर कोई बंदा है ये वीडियो देख रहा है एन वो कॉलेज में है एन वो ड्रॉप आउट करना चाहता है फ्री के लिए तो आप रिकमेंड करते हो या फिर नहीं बिल्कुल नहीं भाई इट इज कि आप प्रूफ तो करो पहले वॉट hmm. अबाउट प्रूफ about करो इफ यू हैज लाइक टू क्लाइंट्स यार टू क्लाइंट्स तो कल जा सकते हैं <laughs> हाँ है ना मतलब इट इज अ सर्टन रेवेन्यू नंबर या फिर यू हैव अ बैकअप कि यार इतने मैंने पैसे बचा लिए गॉट ठीक है अब अगर कल को दो क्लाइंट्स चले भी जाते हैं तब भी मेरी आउटरीच ये सब करके मेरे को वापस आ जाएंगे गॉट इट मतलब आपके पास right. एक बैक बैलेंस प्लान बैलेंस अच्छा हो जाए तब आप छोड़ सकते हो आई थिंक राइट यू यू कैन प्रूव योर पेरेंट्स ना कि यार ये सब मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये चीज़ है ठीक है बट अगर आप टाइम प्रॉपर्ली दे पा रहे हो छोड़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तीसरे साल में हो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं जरूरी थोड़ी है कि ड्रॉप आउट ही करके कुछ ना कुछ होता है ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब सिर्फ एक मिथ है मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेमस है कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेंगे तो फिर एक स्टोरी बन जाएगी मस्त सी कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट करके फ्रीलांसर बन गए एंड देन एजेंसी स्टार्ट कर कर दिया <laughs> भाई 90% ड्रॉप आउट्स तो फेल ही होते हैं टेस्ट ये नंबर कोई नहीं बताता है आई वुड से 99% शायद फेल होते हैं ये नंबर कोई नहीं बताता है सो 1% दैट हां राइट करेक्ट हां गॉट इट अ भाई कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास जो कि फ्रीलैंसिंग फ्रीलैसिंग से रिलेटेड है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे मतलब बारी बारी एक एक क्वेश्चन करके सो so, पहला क्वेश्चन है मोहित का एंड मोहित पूछते हैं कि भाई मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और <laughs> मैं रील एडिट करता हूँ मेरी इसे रील लोग डेढ़ देर दो दो में एडिट करके भेज देते हैं क्लाइंट्स को बताओ मार्केट खराब हो रहा है इस पर आप क्या बोलना चाहोगे जब मार्केट खराब हो रहा है तो आप एक बात देखो कि एट द सेम टाइम दूसरी तरफ काफ़ी इन्फ्लेट भी हो गया <laughs> ठीक है hmm. तो इट इज हाउ यू सी थिंग्स ठीक है कि मैं एज ए एजेंसी ओनर देख रहा हूँ इन्फ्लेट हो रहा है मार्केट ठीक है क्योंकि इतना वैल्यू नहीं है उन सारी चीजों का जितना इन्फ्लेट हो रखा है अभी क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज नॉट ए स्किल जो डायरेक्टली आपको कुछ रेवेन्यू जंप ला के राइट इट इज अ ऑपरेशंस का काम जो वन ऑफ द ऑपरेशंस का पार्ट hmm. है ठीक है अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो कभी व्यूज नहीं आएंगे एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो कभी हो तो hmm. तो तो इट ऐसा लग रहा है कि हो गया, तो वाई नॉट ऑल्सो टॉप दैट स्किल विध स्क्रिप्टिंग आइडिएशन ताकि आप उस पूरे पैकेज का चार्ज कर सको एग्जैक्टली hmm. exactly. सही बात है अगला क्वेश्चन है रितेश का ये पूछते हैं

ये बहुत सारे फ्रीलैंसर्स आते हैं नए नए एंड को लगता है कि दे आर लाइक वेरी मच एक्सपर्ट एंड वो ए का यूज़ करते हैं रीच आउट करने के लिए एड्स बनाने के लिए हर चीज़ का मतलब एकदम ए टू जेड जैसे हम लोग मैनुअल इंटरवेशन एकदम छोड़ ही देते हैं लैंडिंग पेज बनाना ए आई से बना जल्दी जल्दी टेम्पलेट यूज़ किया जल्दी जल्दी कोई मतलब आप बोलो तो दस मिनट बीस मिनट का काम लैंडिंग पेज पूरा कॉपी के साथ तैयार सो so, क्या ये उनका स्किल हैम्पर करेगा इट uh, डिपेंड्स अगर वो फनल एक्चुअली में पैसा बना के दे रहा है आपके क्लाइंट को तो करेगा ठीक है अगर मैं कल को कल को एक ऐसा ए आई आ गया जो वीडियो एडिट कर सकता है अगर तो वो एडिट मेरे क्लाइंट्स को अच्छे इम्पैक्ट लाता है मैनुअल एडिट के कंपैरिजन में तो फिर ऑब्वियसली आई वुड चूज एआई वाला राइट इट इज अगर मेरे को ह्यूमन इंटरेक्शन से ज्यादा वो चीज फायदेमंद पड़ रही anyway a, right? hmm. तो आई वुड एनीवे चूज ए है राइट तो इसमें इट इज आगे चल के ओनली द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ एवरी स्किल वुड सर्वाइव राइट क्योंकि कभी भी कितना भी अच्छा कॉपी राइटिंग में एक एआई अच्छा हो जाए एक ह्यूमन लेवल पे उतना अच्छा नहीं हो सकता है, जो एक बेस्ट कॉपीराइटर hmm. उस डोमेन का उससे बेटर नहीं हो सकता वो राइट right? hmm. तो सेम चीज़ जैसे आ गई व्हेन आई टॉकट अबाउट इथ स्टार्टिंग कि अगर आप बहुत हाईली स्किल्ड नहीं हो ना तो आप आज ना न ले आए सिर्फ प्लेस हो ही जाओगे सही बात एंड बहुत लोगों को ये खुद से समझ भी नहीं आता कि यार मैं तो स्किल्ड हूँ मेरे बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं आप मार्केट में देखो कि जो अगर आप ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड एज अ वीडियो एडिटर कमा रहे हो तो जो एक वन लैक वन ट्वेंटी कमा रहा है उसके और आपके बीच में क्या स्किल डिफरेंस है

जो सौ डेढ़ सौ रुपए देकर उनको सब टाइटल्स टाइटल तो अगर जो लोग सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट थे उनका काम चला गया वो काम कभी ऐसा था नहीं ना कि जिसके लिए आप हमेशा ही एक लंबा कोई बिजनेस सस्टेन कर लो राइट वैसे बेसिक एडिट करके आप कभी एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे इट इज जो अब आप टॉप लेयर पे जाओगे एडिटर्स के दैट इज यू क्रिएट योर ओन बिजनेस जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स है ये लोग बहुत ज़्यादा पहले चार्ज कर पाते थे आज भी कर पाते हैं बट आई थिंक उनका कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट तो हुआ है ए आई के आने के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता कि अभी इम्पैक्ट हुआ है अभी बहुत कुछ चेंज होना है ए में बहुत आ, अभी ए बहुत ज़्यादा एलिट नहीं हो गया बट अगेन मुझे लगता है कि रिस्क तो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बहुत बड़ा रिस्क है जैसे संदीप मेश्वरी जी की इमेजेस बाजार डॉट कॉम थी राइट अब अब उन्होंने बहुत सारे और बिजनेस चालू कर दिए बिकॉज आई थिंक उनको रियलाइज़ हो चुका वो कि ये इट इज़ इन डेंजर राइट सो राइट टाइम पे मतलब कैसे पता चलेगा कि बॉस ये खतरे में है आप बताओ मेरे को कैसे पता चलेगा कि बॉस ये मेरे मेरा जो बिज़नेस है वो खतरे में है अब देखो जैसे संदीप माहेश्वरी जी की बात आपने की तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रीम लेयर पे थे जहाँ पर वो स्विच कर सकते हैं तो उन्होंने राइट right टाइम देखकर स्विच कर लिया राइट आज के भी जो टॉप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा hmm. रहे हैं वो अब एआई का यूज करके और अच्छी चीजें बनाते हैं और और कम टाइम पे बनाते hmm. हैं ठीक है तो अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो यू शुड बी इन द मार्केट टू सी ऑल ऑफ़ दैट कि मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूँ और अपने hmm. लिए गोट तो अगर आपको वो फिगर आउट हो गया कि हाउ डू यू यूज ऑल ऑफ दैट स्टफ तो आप और अच्छे होते जाओगे तो डोंट सी दैट एज अ कॉम्पिटिशन

Uh, सिर्फ फ्री में काम करना okay. एडिटिंग ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि अभी ऐसा मार्केट में सब लोग ही वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं अरे भाई वीडियो एडिटिंग समथिंग की जो डायरेक्टली आपको पैसा ला के देगा मतलब सामने वाले, वाले को क्लाइंट हम्म गॉड इट गॉड इट इस कॉलेज ए स्कैम फॉर अ फ्रीलांसर येस और नो नो फ्रीलांसिंग अ रियल बिजनेस और साइड असिल रियल बिजनेस क्लाइंट एक्सप्लॉइट फ्रीलांसर्स ट्रू और फॉल्स नॉट क्योंकि कई बार क्या होता है ना क्लाइंट्स बहुत कम

राइट ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस फन वर्क लाइफ बैलेंस रियल और अ मिथ मिथ ओके व्हाई वर्क लाइफ बैलेंस या तो वर्क होता hmm. है या तो लाइफ होती <laughs> है <laughs> इन दोनों के बीच में कुछ भी बैलेंस नहीं, नहीं होता है ज्यादा ये सिर्फ बैलेंस नहीं, नहीं होता सही बात है इन योर ट्वेंटीज तो नहीं हो सकता थर्टीज में आई एग्री होता है बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड Invest on your team. Invest on your team. Perfect. And create SOPs. Mm. Create detailed SOPs. Now, most underrated skill. Most underrated. Operations. operations. Managing operations. Mm. Amazing. So, uh, someone who knows operations mm. could easily earn 1 lakh rupees per As month. As a salary. In a company. Yeah. In a company. Yes. Uh, विथ नो रिस्क विध नो रिस्क एब्सोलूटली एंड मेरे को एक चीज़ यहाँ पे विथ नाइन टू फाइव हाँ और मेरे को एक चीज़ बताना यहाँ पे नाइन टू फाइव और फ्री लैंसिंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं नाइन टू फाइव नहीं करूँगा मैं कहीं जॉब नहीं करूँगा मेरे को किसी के अंडर नहीं रहना है इट इज़ आई मीन इट इज़ वेरी बेड माइंड सेट ये बहुत ही खराब माइंड सेट है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप कभी काम नहीं करोगे किसी के लिए सबसे स्टार्टिंग आउट आप आप अपने लिए भी नहीं कर सकते फिर आप इतना जान लो आप दूसरों को करवा भी नहीं सकते फिर आपके साथ कोई आप कहते हो कि भाई मैं किसी के बिजनेस में काम नहीं कर सकता तो आपका माइंड सेट ये तो आपके जो इम्प्लॉई हैं अगर वो सुनेंगे कभी या तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है तो यार ये तो हर जगह जाकर यही बोल रहा है कि किसी के लिए काम मत करो मैं तो इसी के लिए काम कर पहली हाँ। चीज़ ये हो गई दूसरी चीज मेरा ये एक क्वेश्चन था आपसे कि एज अ जॉब भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है विदाउट लॉट ऑफ रिस्क राइट सो so, ये लोग क्यों अंडर एस्टिमेट right. करते हैं है? कि यार क्योंकि मेरी कंपनी की जरूरत है मैं पे कर सकता हूँ ऑपरेशन को आराम से साठ सत्तर हज़ार पर मंथ अगर वो ऑपरेशन पूरा संभाल ले इजीली सो so, ये मिथ क्यों है इतना बड़ा कि भाई मैं सिर्फ नाइन टू फाइव नहीं करूंगा मैं ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ऐसा क्यों यार आई डोंट नो ऐसा देखो यही जो चीज मैं कोर्सेज के बारे में बोली थी कि बहुत ज्यादा कोर्सेज जो स्कैमी टाइप के कहलाते हैं वो यही है क्योंकि वो ड्रीम बेच रहे हैं आपको कि वर्क फॉर योर सेल्फ डोंट वर्क इन अ जॉब ठीक है वो सारे एड्स के थ्रू ये सब थोड़ा ब्रेन वॉश किया गया है बट इट इज यार लाइक सब लोग अभी तक करते आए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऑल्सो इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन विदाउट पीपल वर्किंग राइट कि सिर्फ बिजनेस होकर तो इकोनॉमी नहीं चल सकती ना भाई लोग बोलते हैं है है? कि चार हजार तीन हजार की एस करवाओ एंड आप हर महीने वो बीस साल में इतना हो जाएगा एक करोड़ इतने रुपये मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो सीखो वो एस आई पी तीन हज़ार की जरूरत ही नहीं है वो आप करवाना भी है तो यार हैवी एस आई पी करवानी चाहिए पंद्रह बीस हज़ार की दो तीन हज़ार की बहुत सारे लोग सौ रुपये के एस आई पी करवाते भाई कि चलो कुछ स्टार्ट करते इन्वेस्टिंग सौ दो सौ हज़ार रुपये की बट आई थिंक कि अब इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छा थाट है कोई दिक्कत नहीं है उसमें बट

Uh, jaunty and let's let's take a virtual headset